नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम आपको गेहूं की फसल में अच्छी वृद्धि, अच्छी बढ़वार और फुटाव आप कैसे लें, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे कि जो भी नया वीडियो हमारा पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में जो ये अवस्था होती है जिस समय 45 से 50 दिन का गेहूं हो जाता है, तो उस समय इसमें बढ़वार के लिए और फुटैप के लिए आपको कुछ दवाइयों का प्रयोग करना होगा। तो हम बता देते हैं क्या उर्वरक और क्या दवाई आपको प्रयोग करनी है। स्प्रे के लिए हम बता रहे हैं आपको, तो उसी के हिसाब से आप करेंगे तो फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आपकी फसल इस समय 45-50 दिन की अवस्था में है और आप उसकी अच्छी बढ़वार और फुटाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्प्रे वाला एनपीके आता है, एनपीके 18-18-18 या फिर एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20, इन तीनों में से आपको कोई एक एनपीके लेना है और उसकी जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों, वो आपकी 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से रहेगी और एक एकड़ में आपको 125 से 150 लीटर पानी लगाना है। उसी हिसाब से आपको एनपीके की मात्रा लेनी है 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दूसरी जो दवाई है किसान भाइयों, वो लेनी है आपको इफ़्को की सागर का या पीआई का वायवीटा, इन दोनों में से कोई आपको एक टॉनिक लेना है। इसकी जो डोज रहेगी किसान भाइयों, वो 1.5 से 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रहेगी। उसी के आधार पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों दवाइयों का आप स्प्रे करेंगे तो गेहूं की फसल आपकी 8 दिन बाद ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिससे कि उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो फुटेर है वो भी अच्छी रहेगी। इसके आधार पर आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक होना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में वहाँ से लिखें।